दोस्तों, तो ये आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट और हम उठ चुके हैं। हाँ जी भाई, और उठे भी कैसे, कितने बजे का टाइम सोचा था? लगता है तो सौ पास होगा। धन्यवाद। बंदे हम तीन और एक एक देखे गया था रात को, तो इसलिए मैंने दो और मंगा, एक एक और मंगा लिया। तो भाई हमें वैसे उठना था सुबह 10-11 बजे तक, उठते तैयार होते आराम से, नींद वींद पूरी करते। भाई साहब का घर से फोन आ गया, सुबह सुबह लड़ाई कर रहा है, चिल्ला रहा है, इसने उठा दिया यार। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, आपका स्वागत है हमारे दूसरे व्लॉग में। तो अभी हम लोग नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, इधर पापा सुपर आए, नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, फिर रेडी होंगे और फिर निकलेंगे यहाँ से। ठीक है भाई, जल्दी आ जाओ नाश्ता, वरना मैं आपको खा जाऊँगा। हाँ, चाय का जगह देखो, चाय भरी हुई तो नहीं है, लेकिन तीन जनों के लिए तो ओके है। देख तो नहीं रहा ना, लवली इधर रख लेता हूँ मैं अपना, इधर भाई देखो कैसे खोलना पड़ रहा है, ऑन कर दे। चोरी चोरी हो गई, चोरी हो गई भाई। मैं मेरे को चार मिले हैं, मेरे को चार मिले यार। हम नहा धो लिए थे, हमारी मीटिंग भी हो गई, अब हम लोग आए हैं थोड़ा सा अहमदाबाद की स्ट्रीट पे थोड़ा सा घूमने, देखते क्या है यहाँ पे। क्या हो गया, क्या ले रहे हो भाई साहब? पूछ रहा हूँ मैं कि तो कैसे लगती है। हाँ, और इसका रोजगार कैसा, कितने कमाते हैं, मतलब आप खोलना चाह रहे हो? बिल्कुल भाई, नौकरी कैसा, तो नखरा कैसा, और कोई अम्मी जान बोलती कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं। सही बात है, आ जा। तेरी बाइक, ओ माय गॉड, पापा मेरी बाइक, मेरी बाइक कौन ले गया? लवली भाई, अलवर वालों की चर्चे में बैठे, लवली की बाइक मिल गई हमें गुजरात में, अलवर वालों की बाइक। चलो, पापा के लिए हम लेने आए थे पग पे लगाने के लिए ये पिन, और हमें यहाँ पे मिल गई है स्टेशनर्स, पिंकी स्टेशनर्स पे। मतलब दो घंटे से ढूंढ रहे थे कोई स्टेशनर्स की दुकान मिल जाए स्टेशनरी की, तो हमें यहाँ पे मिल गई है ये पिंकी स्टेशनर्स। मैं ये कह रहा हूँ सोनू से, आपके मेरे फैन बहुत है ना, तो सोनू एक स्टोरी डाल दो, तुम हरदीप वाला भी उसको मिलना, जल्दी आ जाओ। हाँ भी डालता हूँ। हाँ। अच्छा, अपने फैन ज्यादा है? हाँ, मेरा फैन ज्यादा। सोनू कौन जानता है, मेरे को सही में कोई नहीं जानता। अच्छा यार, यार पिंकी जेरोक्स भी यहाँ पे है, पिछले डेढ़ घंटे से पार्क ढूंढ रहा है ये, और सामने खड़ा है पार्क, ये रहा देखो गार्डन लिखा हुआ। मैंने दो लड़कों से पूछा था कि भाई यहाँ कोई गार्डन पार्क वगैरह है, कह रहा यहाँ पे तो नहीं है, ये सामने खड़ा है यार। हैप्पी बिंदी मार दे। तो गाइस हम लोग आए थे रिवर फ्रंट पे, साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यू आपको बैक कैमरे से दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं अटल ब्रिज, और ये साबरमती नदी है, बहुत आगे तक है भाई। ये जो मशीन लगा रखे ना, ये इस रिवर को साफ़ करने के लिए, जैसे कोई भी कूड़ा कचरा आ जाता है या बोतल वोटल फेंक देते हैं, उसको ये साफ़ करने के लिए शायद। ये लवली भाई को हमने लगा रखा पानी लाने के लिए। आजा आजा आजा, कितनी मेहनत करता है ना, एक हाथ से फ़ोन चलाता है, दो हाथ से फ़ोन चलाता है, एक हाथ से पानी भी लाता है। तभी रिवर फ्रंट से हम लोग जा रहे हैं, ये है रिवर फ्रंट फ्लावर पार्क, इधर से घूमकर अब जा रहे हैं रिटर्न होटल, फिर हमें थोड़ा सा काम है वहाँ पे, मतलब अपना काम करके जाना है। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज है 12 जुलाई 2023, तो रात को हमने डिनर वगैरह किया विक्रम भाई के साथ, मीटिंग वगैरह थी हमारी, मीटिंग अटेंड करने के बाद हम लोग सोए, क्योंकि आज सुबह जल्दी जल्दी हमें निकलना था धुलेरा स्मार्ट सिटी, यहाँ से 100 किलोमीटर पड़ता है अहमदाबाद से धुलेरा। तो मिलते हैं आगे इसी ब्लॉग में, कंटिन्यू रहना। तो होटल से निकलने के बाद विक्रम भैया हमें रास्ते में मिलते हैं। धुलेरा अहमदाबाद एक्सप्रेस वे देखने के बाद हम लोग सीधे निकलते हैं धुलेरा की ओर। तकरीबन एक घंटे का सफ़र काटने के बाद हमें लगती है काफ़ी तेज़ भूख, तो हम गैलोप्स पर रुककर खाना खाते हैं।
तो लो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं धोलेरा। तो ये है ABCD बिल्डिंग और ये है रिवर फ्रंट व्यू। अगर धोलेरा के बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। और यहाँ पे बढ़िया रोड वोड बन चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हो गाड़ी वाड़ी जा रही है। और ये पानी की टंकियाँ, ऐसी बहुत सारी पानी की टंकियाँ बन चुकी हैं यहाँ पे। मैंने अलग से धोलेरा का ब्लॉग बनाया हुआ है, उसको मैं अलग से ही स्पेशली अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको धोलेरा से रिलेटेड सारी नॉलेज मिलेगी। अगर आप वो ब्लॉग देखना चाहते हैं तो कॉमेंट बॉक्स में बता दें। तो भाई विक्रम भाई को ओके टाटा बाय बाय बोल के अब हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही फेमस छाछ होती है और फ्लेवर वाली, जैसे मैंगो छाछ हो गई इस तरह से, तो वो अब हम लोग पीने जा रहे हैं और लवली भाई को आज टेस्ट करवाएंगे और फिर आप लोगों को भी बताऊंगा लवली भाई से पूछ के कि कैसी लगी, उसका टेस्ट कैसा लगा। बहुत ही फेमस है, अगर आप लोग भी कभी आओ अहमदाबाद तो ज़रूर टेस्ट करना, है ना। तो अभी दिखाता हूँ, एक मिनट बस वेट कर लो, पहुँचने वाले हैं। तो हम लोग ये पहुँच चुके हैं यहाँ पर छाछ वाला के पास, अब यहाँ पर लेते हैं छाछ। आ जा भाई, लवली आ जा, कितना कुछ ना भाई, यो बस इम्प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, कौन बड़ी भाषा है, कौन मैं और का तो छोड़ गो भाई, ऐसे तो कोई बात नहीं, मैं कब छोड़ गया तेरे को, पहले पूरी बात सुन, बीच मत बोल भाई ना, हमें पता तो पत्रकार है, मैं छोड़ गा उठन से पहले। ठीक है, रात को सो गो, सुबह उठन से पहले ये चला गया जहाँ घूमन जानो। ठीक है, मैं पड़ो रहो भाई रूम में। ठीक है, उसके बाद मैं परेशान, मैं छोड़ गा, फोन ना लग रो, मैं हद कर गई कि जहाँ जानो बीच निकल गया, कोई दिक्कत नहीं भाई। ऐसे घबराहट में आ गई जैसे बिल पे आउट मुझे कर लो, 12 बजे चेकआउट कर लो, 11 बजे मैं ना करो 1% भी। ठीक है, और ये इम्प्रेस करिए, कोई छाछ हुआ कोई ना, छाछ पिला तेरे को, तेरा दिल खुश कर, इम्प्रेस मत कर। ठीक है, आना नहीं पीनी, रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे रहने दे। अच्छा आ जा भाई, ये छाछ और प्लान लाया जानबूझ के, इसकी दिक्कत ना, आ जा। ठीक है, और तो छाछ, ये रहा छाछ वाला, बिल्कुल भाई अच्छी होगी भाई। ये हमें मिल गई है मैंगो लस्सी, और इधर फोटो शूट चल रहा है रोड पे ही, ये देखो मैंगो लस्सी। तो दोस्तों, अहमदाबाद से होते हुए हम लोग जा रहे हैं डूंगरपुर, क्योंकि डूंगरपुर में हमारे मिलने वाले एक दोस्त रहते हैं सोनू नरूका, मतलब मेरे नाम राशि हमारे एक दोस्त रहते हैं सोनू नरूका, तो उनके पास रुकेंगे नाइट, क्योंकि फिर हमें ये लगा लो कि 5-4 घंटे का सफ़र हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि अब घर जाएंगे तो काफ़ी लंबा सफ़र है ना, 22-23 घंटे लग जाते हैं, लंबा सफ़र है, 800 किलोमीटर रेगुलर चला नहीं जाता, तो 5-4 घंटे का सफ़र कम हो जाएगा। फिर कल देखते हैं कि उदयपुर भी जाएंगे, अगर सूटेबल लगा तो उदयपुर जाएंगे, उदयपुर से होते हुए फिर सीधा घर, वो बाकी कल डिसाइड करेंगे कि उदयपुर जाते हैं या नहीं जाते हैं ना, तो जो भी अपडेट्स होंगे देते रहेंगे।